हेलो गाइस, वेलकम बैक, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो भाई आज हम लेके आए धमाकेदार वीडियो ट्रैक्टर के ऊपर। ट्रैक्टर के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी देंगे, किस प्रकार से ट्रैक्टर को चलाया जाता है और कितने घंटे ट्रैक्टर चला है और कितने जल्दी जो टायर घिस गए हैं उसके बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। तो फटाफट से शुरू करें, नीचे जो लाइक का बटन है उसे दबा देना। चलिए फटाफट शुरू करते हैं। कुछ भी बोले जा रहे हैं ट्रैक्टर के बारे में जानकारी ये देने के, ट्रैक्टर को लिए हुए अभी 4.5 साल हुए। 4.5 साल हो गए ट्रैक्टर में, क्या क्या चेंज करवाया हमको ये बताना है। सबसे पहले सेल्फ चेंज करवाया है, वो भी एक साल के अंदर। महिंद्रा 475 प्लस के अंदर एक साल के अंदर सेल्फ चेंज हो गया। मैं बताता हूँ कितना। और बहुत सारे को देखा मैं, सिर्फ मेरे ट्रैक्टर को नहीं, बहुत सारे ट्रैक्टर को देखा है जिसमें सेल्फ उनके खराब होता रहता है। जो नया ट्रैक्टर नए मॉडल में आया 475 प्लस, इसमें ज़्यादातर सेल्फ खराब होने की समस्या आ रही है। तो ये मैंने सेल्फ करवाया था लगभग, ये देखो चेंज करवाया है सेल्फ ये वाला। ये पड़ा था हमें लगभग 5,500 रुपये का सेल्फ मिला है। जो सेल्फ ये डलवा है, ये इसका जो पहले जो सेल्फ था साथ वाला, वो लगभग 2 या 3 महीने के अंदर ही स्टार्ट होना, मतलब कुक करके स्टार्ट नहीं होता था, अटकने लग जाता। उसमें क्या हो रहा था कि 3 महीने के अंदर खराब हो चुका था, फिर मैंने ठीक करवाया वापस। उसके बाद फिर 4 महीने चला, फिर खराब होने लगा। ट्रैक्टर कहीं पर भी चलता था और फिर उसके बाद बंद हो जाता था, स्टार्ट नहीं होता। तो फिर उसके बाद हमें बैटरी भी डलवाई तो भी स्टार्ट नहीं हुई। फिर वापस हमने ये वापस से सेल्फ डलवाया और भाई लोग अब सेल्फ स्टार्ट होने लग गया है और कुछ ही टाइम के लिए। और ऐसे करते करते लगभग मैंने 3 बार सेल्फ ठीक करवाया, उसके बाद नया डलवाया है। वो ये नया भी डलवा दिया है। तो अभी देखो ट्रैक्टर स्टार्ट करके दिखाऊँ, इसमें भी कुछ दिक्कत आ रही है। ये साल भर ही हुआ है इसको भी डले हुए, और अभी ट्रैक्टर स्टार्ट करेंगे भैया, देखना इसमें भी कोई दिक्कत आ रही है। तो अब भैया ट्रैक्टर स्टार्ट करेंगे, किस प्रकार से ट्रैक्टर स्टार्ट हो रहा है आवाज़ सुनना। अब लैम्बोर्गिनी जैसी आवाज़ निकलेगी, देखना, देख सकते हो मैंने न्यूट्रल कर दिया है। अब इसकी आवाज़ सुना, यहाँ से नहीं आएगी, उधर से आएगी। पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो भाई अभी आवाज़ नहीं आई है, तो एक बार और स्टार्ट करके देखना, यहीं से आवाज़ आएगी, देखना ठीक है। दोस्तों देख सकते हो आप, महिंद्रा 475 ट्रैक्टर बहुत ही प्यारा ट्रैक्टर है। कुछ भी चलाओ, लोडिंग वगैरह हर चीज़ पे बहुत ही मस्त ट्रैक्टर है। बट इसके अंदर से ये आवाज़ कहाँ गई ये हमें पता नहीं है। ये वापस से आवाज़ आने लगी, इसको वापस से ले जाना पड़ा मिस्त्री के, और वापस से हम बताएंगे। हल्की सी आवाज़ आ रही है, उसका थोड़ा सा स्विच भी थोड़ा टाइट रह गया था, बाकी हल्की सी आवाज़ आई थी और बाकी वो जो स्विच है। तो भैया ये हल्की सी आवाज़ नहीं थी, ये बहुत ज़्यादा आवाज़ थी। उसका थोड़ा स्विच भी मिस्टेक कर रहा है, तो उसको स्विच को चेंज करवाना पड़ेगा। तो उससे पूछा वो क्या बोलना चाहते हैं। हाँ भैया, आप कुछ कहना चाहते हो? स्विच में दिक्कत है, कहाँ दिक्कत है भैया? तो भैया भग गए घर के अंदर। और तो भैया अब हम आपको बताएंगे 4 साल के अंदर इसमें क्या क्या चीजें। 4.5 साल के अंदर क्या क्या चीजें बदलाव आई है वो आपको बताएंगे। कितने जो साल जो टायर चलाई है आपको ये बताएंगे। फर्स्ट तो ये मैंने सेल्फ चेंज करवाया था, ठीक है। और ये टायर 4.5 साल के अंदर मैंने जो कंपनी के टायर आते हैं गुड ईयर के, वो चेंज करवा के MRF का डाले। और आगे का टायर भी दे सकते हो, घिस गए। और आगे के टायर में हमारे खानदानी प्रॉब्लम है, दोनों ट्रैक्टर के अंदर हवा कम हो जाती है अपने आप। इसमें भी खानदानी प्रॉब्लम है और उसमें भी ये देख सकते हो, और मेसी के अंदर भी यही प्रॉब्लम है। तो भाई हमारे एक ट्रैक्टर और है मेसी, वो 10-35 है, उसका भी कभी बताएंगे वीडियो, उसके बारे में आपको बताएंगे। फिलहाल इसके बारे में बता दीजिए, ये देख सकते हो ये टायर के अंदर माल है अभी, ये मतलब थोड़ा मतलब 30% माल है, लेकिन ये देख सकते हो अब तागे निकल के बीच में से तागे निकल गए। और बैटरी भी मैंने 2 बार चेंज करवा दी है 4.5 साल के अंदर, इस बार डलवाई है एक साइड की। और इसका काज हमने फोड़ दिया है, और इसका काज हमने निकाल लिया है घर पे। इसका काज तो इस लंबू ने फोड़ दिया है, पता नहीं शक्ल देखते हैं हम घर में लगा रखा है, चला नहीं है। और हाँ, ट्रॉली में बंदा ट्रॉली पे टेक्टर लेके जाता है, उसमें से सुखा देते हैं, फिर आना पड़ता है। ये पता नहीं किस स्वाद में रहता है, फोड़ा इन्होंने और नाम मेरे ले रहे हैं। तो भाई ट्रैक्टर के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं है, और 1% इसके अंदर से ऑयल वगैरह कैसे नहीं निकलता सकता। पूरा ट्रैक्टर के ऊपर वीडियो देख सकते हो, कैसे भी ऑयल आपको दिखेगा नहीं, बस इसके अंदर छोटी मोटी प्रॉब्लम आ रही है 2-4। वो भी ऊपर ले, वो क्या सेल्फ पे मिस्टेक अंदर की मिस्टेक कोई भी नहीं है। अबे क्यों पत्थर के मार रहा है रे, ये देख लो ये बच्चा किसका है,
किधर बच गया ये? ये पत्थर मार रहा है, छुप रहा है ये छोटा बच्चा। किसका बच्चा है रे ये? घूम गया है क्या? घूम गया है क्या? तेरे पापा का नाम क्या है? ये ट्रैक्टर स्टार्ट करके ही मानेगा। तो भाई लोगो, तो भाई मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद और लाइक कर देना, और ऐसी जानकारी के लिए तड़कता भड़कता और ऐसी तड़कते भड़कते वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब। अगला वीडियो मेसी टेक के ऊपर।